ई बंटवारे के अनुसार घर का पूर्वी भाग जो है वो बड़े भाई को जाता है, ठीक है ना, आ पश्चिमी भाग छोटे भाई को जाता है। चापाकल जो है वो छोटे भाई को, आ पैखाना जो है वो जाता है बड़े भाई को, ठीक है। सब कुछ हो गया, ठीक है भाई। राम राम। राम राम। राम राम। ए जी, बर्तन और जमीन के बंटवारा तो हो गया, अब माय बाबूजी के भी बंटवारा कर दिया जाए। ठीक है तो कर देते हैं। आइए आइए। तो ठीक है भैया, तो बाबूजी हमारी तरफ, अब आपकी तरफ। ठीक है। पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया आपका। सुनिए इधर, बाबूजी मर्द है, ज्यादा खाएंगे, माँ को रख लीजिए। अब वैसे भी माँ घर के काम में हाथ बटाते रहेंगे, दिमाग नहीं है आपके पास, पूरे मारेंगे। भैया ऐसा करो, बाबूजी आपकी तरफ, माँ हमारी तरफ। ठीक है, माँ हमारी तरफ। अरे बाबूजी मर्दाना है, साफ सुथरा कपड़ा पहनना पसंद है उनको, धोबी का खर्चा बढ़ जाएगा जी, दिमाग खराब है। ठीक है बाबूजी, तुम्हारी तरफ, माँ हमारी तरफ रहेगी। नहीं नहीं, माँ हमारी तरफ। अरे नहीं, माँ हमारी तरफ रहेगी, माँ हमारी तरफ। छोटे माँ हमारी तरफ रहेगी। देखो भैया, ना तुम्हारी बात ना हमारी बात, चिटपट कर लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, निकालो सिक्का। देखो भैया, चलो आप, पैसा तो माँ मेरी तरफ, शेर तो माँ आपकी तरफ। ठीक 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 है ठीक है, उछालो। आप उछलिए था। हाँ हाँ, बड़ाई अमिताभ बच्चन की जय बच्चन। आप उछलिए जी, आप उछलिए जी। अच्छा ठीक है, हम उछाल रहे हैं। जब आपको इनके बात पे भरोसा नहीं था तो हमको आपके बात पे क्या भरोसा होगा। सिक्का दीजिए इनके हाथ में, दीजिए दीजिए, उछालो। देखो भैया, फिर से सुन लो, पैसा आएगा तो मैं हमारी तरफ, उससे रहेगा तो मैं तुम्हारी तरफ। ठीक है। पैसा मैं हमारी तरफ। आइए अम्मा, आप हमारे हिस्से में आइए। कोई हमसे भी पूछेगा कि हम क्या चाहते हैं। क्या चाहती हो? हम लोग साथ रहना चाहते हैं। देख रहे हैं जी, बुढ़ापा चढ़ गया, बाकी आपके अम्मा बाबूजी का जवानी नहीं उतरा है। अरे इनके प्यार के सामने तो लैला मजनू का प्यार भी फीका पड़ जाए। बाबूजी, ये सपना देखना बंद कीजिए, ये संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? तुम दोनों मियां बीवी साथ रहोगे और हम लोग अलग हो जाएं, नहीं होगा। बाबूजी, हम लोग अभी जवान हैं, आप बूढ़े हो गए हैं। अरे बेटा, बुढ़ापे में ही एक दूसरे की ज्यादा जरूरत पड़ती है। अरे बाबूजी, अरे काहेला एक से ज्यादा हम दोनों के कंधे पे बोझ दे रहा है। तो अब माँ बाप भी बोझ हो गए ना। माँ बाप कभी नहीं चाहते कि बेटा के कंधे बोझ से झुकें। तुम लोग का जो भी फैसला है हमको मंजूर है। चलिए जी। चलिए माँ जी। उन्हें कहाँ जा रहे हैं? इधर आइए, बंटवारा ना हुआ है। इधर आइए, चलिए चलो जी। का है ये चीन? कौन खींचा? मिटा दे दीदी। चलो मिटा देते हैं। ए चीन कहाँ मिटा रही है, हैं? जा अपन तरफ। ये चीन बनाने में इतना झगड़ा झंझट हुआ है और तुम चीन मिटा रही है। मम्मी मम्मी, ए काहे छुई तू हमारी बेटी को? इतनी बेटी प्यारी है तो अपना तरफ रखो, हमारा तरफ काला भेज दियो। सुन, तू आज के बाद उधर नहीं जाएगी, जो कुछ भी करना होगा इधर ही रह के करेगी, समझी? नहीं तो मार के पैर हाथ तोड़ के घर में बिठा देंगे। खेलेंगे? नहीं खेलेंगे, उठा के पटक देंगे।
दिखाई दे रहा है का? ए भाजी, हम लोग एक घंटा से खा रहे हैं पानी ला, आप भी लाइन में चलना ही है? लाइन नहीं होगा कि कैंसर की बीमारी हो गया? इस देश से कैंसर की बीमारियां नहीं खत्म हो रहा है लाइन वाले। हमको ऊपर जाना है, रास्ता छोड़ोगी कि मलिकाइन बैठ के बैठी रहोगी यहाँ पे? क्या बोली? हमको छत पे कपड़ा डालने जाना है। तो जाओ ना, कपड़ा जाके सुखाओ। पूरा सीढ़ी छेक के बैठी हो, तुम्हारे सर पे पैर रख के जाएगा ऊपर। तो सीढ़ी हमारे हिस्से में पड़ा है तो छेक के बैठेंगे नहीं? तो ये भी बता दो कि हम कपड़ा कहाँ जाके सुखाए? छत पे। अरे तो पूरा सीढ़ी छेक के बैठी हो, कैसे जाएंगे? सीढ़ी हमारे हिस्से में पड़ा है इसलिए हम अपना सीढ़ी पे बैठे हैं। तुमको तकलीफ है तो तुम समझो, ऐसे भी डांस चिरल तो हुई, उड़ के चल जाओ। मन तो करता है कि सारा कपड़ा ले तुम्हारे सर पे सुखा दे। अच्छा हाँ, एक काम करो ना, अपना सर पे सुखा लो, हमारा सर में बहुत गर्मी है का? चुड़ैल सुखा ले कपड़ा जाके। अरे इस साड़ी कपड़ा यहाँ का छोड़ दे, जाके सुखा दे। अच्छा तो इसका कपड़ा हम सुखाएंगे। अभी इसका रंग बदल देते, मटकी डाल देंगे, मजा आएगा। मर्चा ज्यादा तो नहीं है ना? ना ठीक है सब। अब ये दरवाजा कौन लगा देता है? ये मेरा दरवाजा कौन लगा देता है? छोटकी कनिया लगाई होगी। छोटकी कनिया होता है नौटंकी करते रहती है, दिमाग खराब हो गया उसका, हां सांझ हुआ नहीं कि दरवाजा लगा दिया। अरे हमारा दरवाजा है, हम चाहे जब बंद करे, शाम करे, आज रात करे, मन होगा तो सुबह में भी करेंगे। अरे तो हम अंदर कैसे आएंगे? तो आप जानिए। हम जाने? अरे एक पहले तो इतना सवेरे दरवाजा नहीं लगता था। अरे पहले सार्वजनिक था, अब नहीं है। तो आप कौन खजाना मिल गया जो अभी सांझ हुआ नहीं कि दरवाजा लगा दिए? अरे ज्यादा बहस मत कीजिए, आप अपना दरवाजा बना लीजिए, मन हो तो पीछे का दरवाजा तोड़ के भुड़की बना लीजिए। चूहा तो है ये, अंदर बाहर करते रहिएगा। अरे उधर का बोल रहा है, इधर आके बोलो ना, औरत के पल्लू में का छिपा लाके बोल। अरे आ रहे हैं, हमारे पल्लू में छुप के बात करते हैं कि आप बड़ की दीदी के पल्लू में छुप के बात करते हैं? जब एक बार डांट के बुलाती है ना तो भीगे बिल्ली बन के पीछे पीछे भागते हैं और बात करते हैं इनके बारे में। अच्छा तुम जो इसको कुत्ता बना के रख ले हो, अपना पट्टा में बंद रखते हो, तुम्हारा तलवा चढ़ता रहता है उसका। अरे बड़ की दीदी आप क्या बोला जाता है? अरे सब लोग जानते हैं क्या करती है। तुम चुप रहो, पूरा गाँव ढोला। तुम चुप रहो, अरे तुम चुप रहो, अरे तू का मुंह देख रहा है? औरत के गुलाब, अरे औरत के चुप कराओ ना। बुआंडा, अरे हम क्या बोले, कोर की सुअर तो ब्याह करके लाए हैं, सारा घर से पैसा नष्ट करके रख रहे हैं। क्या बोला रहा तू, तू क्या बोला रहा? कौन कोर की सुअर है? कौन कोर की सुअर? तेरी बीबी कहाँ है? तेरी बीबी कहाँ है? तेरी बीबी, अरे अभी बताते हैं ना। क्या बताए, देख लेते हैं। आइए, इतना मुंह काहे बनाए हुए हैं? कोई तकलीफ हो रहा है क्या? अचानक सीने में दर्द हो रहा है। चलिए आराम कीजिए, ठीक हो जाइएगा। हम कोई दवाई का इंतजाम करते हैं। हाँ, बल्का को बोलते हैं जाके। हाँ, बैठिए बैठिए। लेट चलिए। आई ठीक है, हम जा रहे हैं बड़का को बोलने। हाँ, आप आराम कीजिए। ए बड़का, बाबूजी का तबीयत खराब है, दवाई लेके आना है। अरे
सो रहे हैं। जाइए अपना दुलारो बेटा छटका को बोलिए। ए छटका, छटका बेटा बाबूजी का तबीयत खराब है, दवाई लाना है। अरे वो सो रहे हैं, उनको परेशान मत कीजिए। जाइए जाके बड़का भैया को बोलिए ना। दवाई लाई हो कहा? नहीं मंगा देते हैं। अविनाश, अविनाश बेटा इधर आ। क्या हुआ? जरा इनको देख लो। क्या हुआ चाचा को? तबीयत खराब लग रहा है चाचा। हाँ क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, थोड़ा सीना में दर्द हो गया था। अरे आप बोलिएगा तो मुखिया जी के एम्बुलेंस मंगा देंगे हम। अरे ना बेटा, उसका जरूरत ना है। दवाई ला दें? दवाई? अरे नहीं बेटा, जाओ बोलिएगा तो ला देंगे। नहीं नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा, जाओ। पक्का? हाँ, ना हाँ बेटा। चाची कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, हमें दुर्वे पर सुतल है। ठीक है चाचा। सुनो जी। हाँ जाओ, तुम भी जा। क्या आप ठीक से रहेंगे ना? हम एकदम ठीक है भाई, तो थोड़ा सा दर्द हुआ था, अब ठीक है, जाओ। इसे रो रही है कि कार्तिके में दहार ला देगी। ठीक है कह रहे हैं। यही सुखलावा दवाई ला के दिया था बाबूजी को, जेकरा खा के बाद चल गए बाबूजी। अरे हत्यारा है बाबूजी, जेल भेजेंगे हम, इसको कूटेंगे हम। दोनों बोल रहे हैं ना, दोनों। चलिए 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 महाराज। पता है अंजना दादाजी कैसे मरे हैं? कैसे? दादी जी बता रही थी ना कि दादाजी को हार्ट अटैक आया है। दीदी ये हार्ट अटैक कैसे आता है? जब घर परिवार के लोग तकलीफ देते हैं तभी अटैक आता है।
बाबूजी हम लोग लड़ाई से बहुत दुखी थे भैया, हम लोगों की लड़ाई ने बाबूजी की जान ले ली, अब हम लोगों को लड़ाई छोड़ना होगा भैया, ताकि बाबूजी के आत्मा को शांति मिल जाए। ठीक कहते हो छोटा, हमारी लड़ाई नहीं बाबूजी की जान ली है, आगे से हम जो भी करेंगे शांति से करेंगे। ठीक है भैया, आगे कैसे क्या करना होगा? सबसे पहले हम घाट का काम बांट लेते हैं। ठीक, तब बाबूजी के जलावन के लकड़ी घी जो भी लगेगा वो सब हम देख लेंगे, और घाट पर भोज का खर्चा तू देख ले। ठीक है भैया। भैया लेकिन बाबूजी को किस लकड़ी से जलाइएगा? आम का लकड़ी से, और का नहीं, चंदन के लकड़ी से। तुम का खिलाओगे? अब पूरी बुनिया खिलाएंगे, और का। तो ठीक है, एक काम करिए, आप लोग चंदन के लकड़ी से जला लीजिए, हम लोग पूरी बुनिया खिला लेंगे। तो ठीक है, पूरी बुनिया के साथ चार ठो मिठाई भी खिलवा दीजिएगा। वाह, तुम खिलाओ तो पूरी बुनिया, और हम खिलाए तो चार ठो मिठाई भी। बस आप लोग रहने दीजिए, चंदन के लकड़ी से जला देंगे बाबूजी को। ठीक है, हम भी पूरी बुनिया चार गो का पांच रंग के मिठाई खिलाएंगे। चलो तेरी मम्मी, तेरे पापा, तेरा भैया, तेरा चाचा, तेरे दादा, तेरी दादी, तेरी जमुना नगर वाली मामी। ए सुन 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 सुन। हाँ हाँ बोलो बहन, क्या बोल रही हो? बंटवारे का भंडारा है, सब लोग आइएगा, पत्तल चाट चाट के खाएंगे। और शर्माइएगा मत, जरूर आइएगा, समझ गए ना? हाँ। इधर। हाँ हाय हाय।